अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? कैसा दिन गुजरा आज? अच्छा, मैं आज ना कोफ्ते बनाने लगी हूँ। ये मेरा ज़रा ये चम्मच होता है, इसलिए मैं अपने मुताबिक नमक मिर्च डालूँगी। ये मैं कोफ्तों का सामान पहले कीमे के कोफ्ते बना लेंगे, ठीक है? ये आधी आधी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने मिर्च डाली, ज़्यादा मिर्च ना डालूँ। इसके अंदर मैंने अदरक का एक बड़ा टुकड़ा, लहसुन एक पोथी वो, और हरी मिर्चें तीन, प्याज छोटे साइज़ के तीन प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के कीमे को मैंने पिसवा लिया। जीरा पाउडर, गरम मसाला आधा चम्मच, और ये सूखे धनिया का टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वैसे भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है, सूखा धनिया एक बड़ा चम्मच, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरा कीमा ये डेढ़ डेढ़ के जी मेरा कीमा है। और एक चम्मच मैं इसमें एक चम्मच जायके के लिए ये मैं ऐड करूँगी टिक्का पाउडर, कोई सा भी ले ले, चिकन टिक्का ले ले, टिक्का बोटी ले ले, जो भी ले ले। मेरा मैंने बताया ना क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आधी चम्मच डालूँगी काली मिर्च, और ये मैं डालूँगी आधी से ज़्यादा दड़ा मिर्च, और ये मैं एक छोटी आधी गठी धनिया की डालूँगी, और इसको कर लूँगी मैं ज़्यादा, समझे कि आधा कीमा आपका मोटा थोड़ा रह जाए और आधा जो है ना आपका ज़रा अच्छा ब्लेंड हो जाए। ये मैं हल्की सी मारूँगी, अगर ज़्यादा मार लो ना तो फिर वो कोफ्तों में वो जो दाना दाना सा बना होता है वो नहीं बनता। अब मैं इसको हाथों से मसल लूँगी, आप हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। इसमें मैंने एक चम्मच खाने का बड़ा बड़ा वाला ना, हल्की सी खसखास को हल्का सा पीस के वो डाला है, और 2 चम्मच सिर्फ मैंने ना भुने हुए चने भी इसमें ना मैंने ऐड कर दिए हैं। ये नमक नमक भी मैंने थोड़ी सी मिक्स कर ली है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच डालूँगी दही, ये शायद आपने कभी देखा हो या नहीं, लेकिन मैं डालती हूँ। इससे आपके कोफ्ते देखना आप बहुत ही सॉफ्ट नरम, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, तो अब मैं इसके कोफ्ते बना के रखती हूँ, और उतनी देर में हम अपना लहसुन प्याज वगैरह सारा कुछ आप हांडी के लिए रेडी कर लें, ठीक है? मैं कोफ्ते अच्छा मैंने कोफ्ते बना के रखनी है। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 3 बड़े चम्मच। मैंने खाने के लहसुन अदरक ले लिया है, और 1 कप 2 टमाटर लेके मैंने उसमें 5-6 हरी मिर्चें डाल के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसके से हम लहसुन अदरक यूज़ करेंगे, और फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन 3 बड़े चम्मच। मैंने खाने के लहसुन अदरक ले लिया है, और 1 कप 2 टमाटर लेके मैंने उसमें 5-6 हरी मिर्चें डाल के टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, और इसके से हम लहसुन अदरक यूज़ करेंगे 3 बड़े। ये अब कोफ्ते मेरे तैयार हो गए हैं, ये देखें। और इसको मैंने सबको ना हल्का सा नीचे ऑयल ग्रीस करके ओवन की ट्रे में मैंने इसको रख दिया, और 20 मिनट हो गए हैं हमें ओवन को ऑन किए हुए। थोड़ी सी इस रेसिपी में ये डिफरेंट है, मेरी रेसिपी डिफरेंट है इसीलिए, और मेरी अपनी याद है, मैंने किसी नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी आज तक। अब इसमें हम अपनी रखेंगे ट्रे को,
ओवन काफ़ी गर्म है और हम आपने गर्म ओवन में रखनी है, काफ़ी गर्म में, लाइट इसकी स्पीड नहीं रखनी, तेज़ रखनी है। और कोशिश करें आप थोड़ा सा इसको जब तक चाहें तब ऊपर रख सकते हैं, रखें। अभी हम इसको 10 मिनट तक तकरीबन देखते हैं। वो बड़े चम्मच वाला, बड़े फुल भर के वाले तकरीबन, ये लहसुन अदरक है। ये लहसुन अदरक की यही रेसिपी है कि आप बराबर इसको ना जितना अदरक हो तकरीबन उतना ही लहसुन हो उसको पीस ले। मैं अक्सर ऐसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट इकट्ठा इस्तेमाल करती हूँ और फ्रेश ही बनाती हूँ मैं उसी वक्त। मैंने कभी पेस्ट वगैरह की हांडी नहीं बनाई, ना हमें अच्छी लगती है ना। ये पूरे 5 मिनट ऊपर नीचे कर दें, देखो कलर इसका रेड हो रहा है। इतने भी नहीं पकाने कि उसका जूस सारा ही उसी में ख़त्म हो गए, बस इसको थोड़ा सा रेडी करने करना है, फिर हम निकाल लेंगे। ये अदरक लहसुन हमारा भुन चुका है, कितनी प्यारी देखे रंगत आ गई ब्राउनिश। अब हम इसमें अपनी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टमाटर थे और 6-7 हरी मिर्चें थी, साथ ही 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक और एक ये बड़ा चम्मच रेड चिली है और हल्दी, हल्दी हसवी जायका, नमक मिर्च भी आप हसवी जायका रख सकती हैं। अब ये मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसका नमक मिर्च का, और फिर इसके बाद हम इसको ना थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, अच्छी तरह स्मूथी सा ग्राइंड कर देंगे। छोटी बच्चियाँ ना ऐसा करें प्लीज़। अब ये हमारे कोफ्ते तकरीबन पक चुके हैं। मैंने थोड़ा सा इसको इसलिए पकाया कि कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई हो कोफ्तों की तो वो ख़त्म हो जाए। अब मैं एक बड़ा चम्मच डालूंगी इसमें सूखी मेथी, 1 बड़ा चम्मच मैंने लेके इसको मसल के मैंने डाल दिया है, ठीक। बस अब हमारे कोफ्ते पक्के रेडी हैं। 1 चम्मच मैंने लास्ट में गर्म मसाला डाल लिया था, ये जो ही बस ऑयल छोड़ते हैं तो हम इसको हमारा खाना तैयार हो जाएगा। और माशाल्लाह से, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से इसकी शक्ल नज़र आ रही है, बड़े ही ट्राई ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। हम अभी डिश आउट नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। हमारे जब सारे घर वाले आ जाएंगे तो हमने खाना खाया था लेट, दब खाएंगे। और वैसे भी मुझे ये कढ़ाई में पड़े हुए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इनको हम कढ़ाई ही में ही रहने देंगे। दुआ में याद रखें प्लीज़। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको नज़र आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दोस्तों में, प्लीज़ प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक जज़ा देने वाला है। मदद करने वालों के साथ अल्लाह ताला है, किसी की मदद करने से अल्लाह ताला आपकी मदद करता है, किसी की ज़रूरत पूरी करने से अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, किसी के लिए सेहत की दुआ करने से अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। अल्लाह हाफिज़।